जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लास। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बिहार पुलिस की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा, स्पेशल बिहार पुलिस परीक्षा 2024 के लिए क्लास है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उन्हें भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों, 60 क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपका टारगेट रहेगा 50 प्लस का। क्लास के अंत में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। गुड इवनिंग सभी को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? चांदी, कॉपर, लेड या फिर मैग्नीशियम। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, तो सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉपर का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विद्युत तार बनाने के लिए कॉपर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, मनुष्य ने सबसे पहले कॉपर धातु का प्रयोग किया था, तांबे का प्रयोग किया था। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, परीक्षा में फिर से पूछ सकते हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, आप सभी के राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए DOS का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए। बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। DOS का फुल फॉर्म होता है डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। या सी करेक्ट आंसर होगा। ये भी बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। DOS का फुल फॉर्म होता है डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन का। क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम किस शहर में स्थित है? हैदराबाद, वाराणसी, चेन्नई या फिर मैसूर। इस प्रकार से ऑप्शन है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हैदराबाद। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हैदराबाद पूछा जाता है किस नदी के किनारे बसा है, तो आप लोग याद रखिएगा, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है परीक्षा में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। बताइए भारत के किस राज्य में लाई हरोवा उत्सव मनाया जाता है? इसका आंसर बताइएगा, भारत के किस शहर में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? सॉरी, किस राज्य में? कर्नाटका, गोवा, केरल या फिर मणिपुर। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मणिपुर। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, मणिपुर में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सभी ने लगभग राइट आंसर दिया है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, मणिपुर करेक्ट आंसर होगा। यह सबसे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मणिपुर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन इस प्रकार से, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पैथिक लॉरेंस ने। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा,
सर पैट्रिक लॉरेंस ने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी भी उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, बताइए मैरी कल्चर किससे संबंधित है? सभी इसका आंसर करिएगा, मैरी कल्चर किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समुद्री जीवन से संबंधित अध्ययन है। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, समुद्री जीवन से संबंधित अध्ययन मैरी कल्चर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जिसमें अभी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी भी उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? भारतीय संविधान की जो प्रीएम्बल है, उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसमें बताइए इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लोक कल्याण। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान के उद्देश्य का में लोक कल्याण शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, ये तीनों शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा, लोक कल्याण करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आपको बताना है अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, अबुल कलाम आजाद, या फिर सैयद अहमद खान, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अबुल कलाम आजाद, या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल समाचार पत्र को शुरू किया था राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। पूछ सकते हैं भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आपको बताना है इंडियन अरेस्ट के लेखक कौन है? सभी इसका आंसर करिए दोस्तों, बताइए इंडियन अरेस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? लेखक आपको बताने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वैलेंटाइन सिरोल, या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अरेस्ट को लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, बताइए सूरीनाम की राजधानी क्या है? आपको सूरीनाम की कैपिटल बतानी है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सूरीनाम की राजधानी क्या है, कैपिटल बताइएगा सूरीनाम की। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 का। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, परामार्बो, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, परामार्बो सूरीनाम की राजधानी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, बताइए इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी आर दास, महात्मा गांधी, या फिर चंद्रशेखर आजाद? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आप लोग याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यस ए करेक्ट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से है, यूएसए और मैक्सिको के बीच सीमा पर कौन सी नदी स्थित है? इसका राइट आंसर बताइएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर निम्न में से कौन सी नदी स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रियो ग्रांडे, या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, रियो ग्रांडे नदी,
यूएसए मैक्सिको की सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर है, जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 12 का। ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही उत्तर है, रियो ग्रांडे करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, बताइए रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1773 में, या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। इस बार आप सभी का राइट आंसर है ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, आपको बताना है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। गुप्त शासकों ने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे उनको किस नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रूपक कहलाते थे। क्या कहा जाता था, रूपक कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को पूछा गया है क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रूपक कहलाते थे। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चरक संहिता मैं आपको बताने हैं कितने अध्याय और खंड है। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, कल इवनिंग की क्लास नहीं होगी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चरक संहिता में 120 अध्याय हैं और 8 खंड हैं। यस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको बताना है, गोंचा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत के किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या फिर कर्नाटक, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, छत्तीसगढ़ में। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब देखिएगा, छत्तीसगढ़ को भारत में धान की डलिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए परीक्षा में भारत में धान की डलिया किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ को भारत में धान की डलिया कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। गुड इवनिंग, ये क्लास यूपी पुलिस के लिए भी है और आरपीएफ के लिए भी है, दोनों परीक्षाओं के लिए है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। इसका राइट आंसर बताइएगा, कनाडा, आयरलैंड, इटली या फिर जर्मनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जर्मनी। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जर्मनी के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, जर्मनी करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, बताइए मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश का। बी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है मटकी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, बताइए एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोटीन। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहां पर होता है। क्या पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहां पर होता है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ओडिशा या फिर केरल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वेस्ट बंगाल में। या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है। वेस्ट बंगाल भारत का एक राज्य है, राजधानी कोलकाता है। कई बार मैंने आपको बताया भी है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। पूछा जाता है कोलकाता किस नदी किनारे बसा है, आप लोग याद रखिएगा, हुगली नदी किनारे बसा है और कोलकाता में ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। ममता बनर्जी वर्तमान में वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है।
और जो वेस्ट बंगाल है सबसे अधिक बॉर्डर शेयर बांग्लादेश के साथ करता है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यस शिवांशु, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, प्रेसिडेंट। आप लोग तो याद रखिएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या फिर बी के आर बी राव। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दादा भाई नौरोजी, या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, दादा भाई नौरोजी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आपको बताना है टेलीग्राम की स्थापना किसने की थी। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। टेलीग्राम के संस्थापक कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पावेल ड्यूरोव, या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा पावेल ड्यूरोव ने टेलीग्राम की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, पावेल ड्यूरोव करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजा राममोहन राय को, या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गुड इवनिंग, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, राजा राममोहन राय करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। इसका राइट आंसर बताइएगा, भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल नागरिकता से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन और पूछ सकते हैं परीक्षा में। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन सा भाग नागरिकता संबंधित है। तो आप लोग याद रखिएगा भाग 2 पार्ट 2 नागरिकता संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11 संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सर इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सुंग वंश के पश्चात भारत पर किसने शासन किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो सब इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सुंग वंश के पश्चात भारत पर किसने शासन किया था, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्ण वंश ने, या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कर्ण वंश के शासकों ने सुंग वंश के पश्चात भारत पर शासन किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए मानस किसकी सहायक नदी है। सभी इसका आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। मानस किसकी सहायक नदी है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा या फिर ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रह्मपुत्र, या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा ब्रह्मपुत्र, इसका उद्गम पूछा जाता है कहाँ से होता है, तो आप लोग याद रखिएगा तिब्बत से होता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र रिवर करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। एटलस पर्वत कहां पर है, किस महाद्वीप में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अफ्रीका, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था इनमें से।
चार ऑप्शन आपको दिए गए, तात्या टोपे, लक्ष्मी बाई, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह, इनमें से किसने 1857 की लड़ाई में भाग नहीं लिया था। इसका राइट आंसर बताइएगा, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट आ रहा हूँ आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भगत सिंह ने। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, भगत सिंह ने 1857 की लड़ाई में भाग नहीं लिया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, इन लोगों ने भाग लिया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, भगत सिंह करेक्ट आंसर होगा। यस, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 का, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन के। या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, समुद्री शैवाल आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, शरीर का वजन अधिकतम कहां होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, शरीर का वजन अधिकतम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, शरीर का जो वजन है अधिकतम ध्रुवों पर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, आपको बताना है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, क्या पूछा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमार गुप्त या फिर हर्षवर्धन ने। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कुमार गुप्त ने। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, कुमार गुप्त करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, आपको बताना है भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहते हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, बताइए भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बंगलुरु को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, सिलिकॉन वैली कहा जाता है बंगलुरु को, कर्नाटका की राजधानी है, कर्नाटका की राजधानी है बंगलुरु, और सिलिकॉन वैली कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है इसे। पूछ सकते हैं परीक्षा में भारत में किसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा बंगलुरु को। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, आपको बताना है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एम जी रानाडे को। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, एम जी रानाडे महाराष्ट्र का सुकरात कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ये एक समाज सुधारक थे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारत का महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। डी करेक्ट आंसर होगा, कच्छ में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कच्छ में भारत का महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है। सभी इसका आंसर करिएगा, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन बताइए कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कुएं और नलकूप। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर है, कुएं और नलकूप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, क्वेश्चन इस प्रकार से है, मेकांग डेल्टा कहाँ पर स्थित है। सभी का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, क्या पूछा गया, मेकांग डेल्टा कहाँ पर है, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर वियतनाम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वियतनाम। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, वियतनाम में मेकांग डेल्टा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, क्वेश्चन इस प्रकार से है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दुग्ध उत्पादन से। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, आपको बताना है झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 का, झारखंड का शिमला किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रांची को। डी करेक्ट आंसर होगा, क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, आपको बताना है अफ्रीकी महाद्वीप में
सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश आपको बताना है, उत्तरी अफ्रीका, नाइजीरिया, इथियोपिया या लीबिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नाइजीरिया। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, नाइजीरिया अफ्रीकी महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, नाइजीरिया करेक्ट आंसर है, लीबिया करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नाइजीरिया में सबसे अधिक जनसंख्या है अफ्रीका महाद्वीप में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, आपको बताना है चाइना असम के किस दिशा में स्थित है। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, क्या पूछा गया है, चाइना असम के किस दिशा में स्थित है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण या फिर पश्चिम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर दिशा में है, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, चाइना असम के उत्तर दिशा में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारत का पड़ोसी देश है चाइना, भारत बॉर्डर शेयर भी करता है चाइना के साथ, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है चाइना, राजधानी बीजिंग है, शी जिनपिंग वर्तमान में चाइना के प्रेसिडेंट है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, कौन सी भारत में इनमें से मीठे पानी की झील नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है, इसका राइट आंसर बताइएगा, लोकटक, सांवर, बड़ा पानी या फिर भीमताल। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सांवर लेक, या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सांवर लेक एक खारे पानी की झील है। कहाँ पर है पूछ सकते हैं, राजस्थान में ये पूछा जाता है, सांवर लेक कहाँ पर है, राजस्थान में है, कैसी झील है, एक खारे पानी की झील है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बाकी सभी मीठे पानी की झील है, लोकटक, बड़ा पानी, भीमताल, ये सभी मीठे पानी की झील है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, आपको बताना है तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पर है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, क्या पूछा गया, वर्तमान में तक्षशिला कहाँ पर है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत या फिर ईरान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पाकिस्तान में। ए करेक्ट आंसर होगा, वर्तमान में पाकिस्तान में तक्षशिला, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, ऐरावतेश्वर मंदिर भारत में कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 44 इस प्रकार से है, ऐरावतेश्वर मंदिर भारत में कहाँ पर है, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, राजस्थान या फिर तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तमिलनाडु में, या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, तमिलनाडु में है ऐरावतेश्वर मंदिर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, मूसी किसकी सहायक नदी है, बताइए मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है, कृष्णा, गंगा, गोदावरी या फिर यमुना। ए करेक्ट आंसर होगा, कृष्णा की, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मूसी कृष्णा की सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, बताइए पोमोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फलों का, फूलों का, सब्जियों का या फिर जड़ों का। 46 है ये क्वेश्चन नंबर, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फलों का अध्ययन किया जाता है, फलों से संबंधित अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, आपको बताना है बिजली की खपत की इकाई क्या है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बिजली की खपत की इकाई बताइएगा। बी करेक्ट आंसर होगा, किलोवाट घंटा, या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, किलोवाट घंटा बिजली की खपत की इकाई है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, आपको बताना है आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, थोक बाजार से, या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, आंतरिक व्यापार थोक बाजार से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, बताइए क्वांटम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। सभी इसका आंसर करिएगा, क्वांटम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मैक्स प्लैंक ने। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, आपको बताना है निम्न में से कौन लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। क्या पूछा गया, इनमें से कौन लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइम मिनिस्टर। बी करेक्ट आंसर होगा, प्रधानमंत्री। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए, वर्तमान में बताइएगा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है।
जम्मू कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। पूछा जाता है जम्मू कश्मीर किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो आप लोग याद रखिएगा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, मनोज सिन्हा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। और अगर पूछा जाए क्वेश्चन, सभी ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा में पूछ सकते हैं जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद मुर्मू थे, और वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा है। ये दूसरे उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए, आपको बताना है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। एशिया का बताइएगा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बोर्नियो। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गुड इवनिंग। और अगर पूछा जाए वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, पूछ सकते हैं परीक्षा में वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा ग्रीनलैंड है, और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। विश्व का कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इनको आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए, आपको बताना है 1932 में पूना समझौता किससे संबंधित था, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग। डेली शाम को 8 बजे क्लास होती है, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दलित वर्ग से संबंधित था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निद्रा रोग किसके कारण होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए, क्या पूछा गया? निद्रा रोग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोटोजोआ की वजह से। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है निद्रा रोग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? चार ऑप्शन दिए गए, बताइए इसमें कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मिथेन। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, मिथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मिथेन का केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा CH4 होता है, और मिथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। ये मुख्यतः दलदली इलाकों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसमें अभी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए, क्वेश्चन इस प्रकार से, वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रिटिश सिंहासन का। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ब्रिटिश सिंहासन का प्रतिनिधित्व करता था वायसराय भारत में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसने अभी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए, आपको बताना है निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? चार ऑप्शन दिए गए, कथक, कथकली, ओडिसी या फिर मणिपुरी, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बताइए इनमें से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कथक, एक क्लासिकल डांस है, और ये उत्तर भारत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कथकली पूछा जाता है मुख्यतः कहाँ संबंधित है? केरला संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा, ओडिसी ओडिशा संबंधित है, मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है, चार ऑप्शन को याद रखिएगा, ये चारों क्लासिकल डांस है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए, क्वेश्चन इस प्रकार से है, मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? क्या पूछा गया? मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जैमिनी। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जैमिनी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 59 के लिए, आपको बताना है पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल कंप्यूटर। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में कब मनाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 25 जनवरी को। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है भारत में, क्योंकि 25 जनवरी 1950 में भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। पूछा जाता है भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 में, इसीलिए 25 जनवरी को प्रतिवर्ष
राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली डेली शाम को 8 बजे क्लास होती है, सभी लोग लाइव सेशन को डेली ज्वाइन कीजिएगा। गुड, अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए, टाइम को याद रखिएगा। क्लास पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।